प्यार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। मैडम, हयात के लिए करीम के सामने बस यूं ही मुंह से निकल गया कि वो हमारे साथ नहीं है आजकल, इब्राहिम के साथ रह रही है। मुराद इस कदर परेशान है और इतना उलझ गया है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हयात और इब्राहिम का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल भी साथ नहीं रहते वो, ये सिर्फ एक अफवाह है जो हयात ने खुद उड़ाई थी। इब्राहिम का असली चेहरा बेनकाब हो गया। सारटे न तुम्हें और न ही इब्राहिम को माफ करेगी। उन दोनों ने जो किया मेरी बेहतरी का ही सोच कर किया, मगर अब मैं मुराद के सामने किस मुंह से जाऊंगी। हाँ, काफी ऑकवर्ड सिचुएशन है। अच्छा, मुझे तो दफा करो, तुम्हारी इमेज कितनी खराब हुई है। यार, मेरे लिए परेशान ना हो, अभी सिर्फ अपना सोचो। कैसे ना परेशान हूँ इब्राहिम, तुम्हारा यही कसूर है ना कि मेरी हेल्प कर रहे थे। सोचो अब उसकी नजर में क्या हो तुम, एक ऐसा आदमी जो मेरे साथ रिलेशनशिप का ड्रामा कर रहा था। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, ये जिल्लत तो ना होती। उसकी इतनी फिक्र, आंखों में ये खास कैफियत और पलकों का ये तेज तेज झपकना, और देखो तो ये आई हुई चेहरे पर मुस्कुराहट। या कोई तो बात है, मैं गलत नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ मैं। यार बोलो ना, क्या है दिल में, एतराफ़ी मोहब्बत हो गई इंतकाम। तुम्हें तो नहीं बताऊंगा, पता नहीं किसकी तरफ हो तुम, उसकी तरफ या मेरी तरफ। What? What? मैं तो प्यार की तरफ हूँ, मैं आशिकों की खिदमतगार हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा। यार प्लीज, तुम अपने काम से काम रखो एंड काम लो। यार मैं लुट जाऊंगी, मर जाऊंगी, रहम करो, बताओ प्लीज, प्लीज बताओ ना, खुदा के लिए बोलो, बोलो। यार भाई, टूवल किसी को नहीं बताएगी, आप बता देना इसे। अच्छा ओके, बताता हूँ, गौर से देखो मेरी आंखों। हाँ। और कसम खाओ किसी को नहीं बताओगे। हाँ। अगर किसी को बताऊं तो खुदा करे मुझे कभी कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड ना मिले इस दुनिया में। खुदा करे मोटी हो जाऊं, भद्दी हो जाऊं, बेडोल हो जाऊं। ये मैंने कैसी कसम खा ली। भाई, टूवल ने बहुत बड़ी कसम उठाई, ये किसी को भी नहीं बता सकती अब, तो अब कोई हर्ज नहीं इसे बताने में। ओके ओके, हयात को सब बता दूंगा, बस अपना दिल खोल के रख दूंगा। मुराद, हाय, यकीन नहीं आ रहा कसम से। तो कब बात करोगे उससे? कल सुबह सुबह 8 बजे ना, मैं तो सुबह ही उठ जाती हूँ, तो ऐसा है कि साथ चलते हैं हम, 6 बजे, 5, 4, मुनासिब वक्त देख के बात कर लूंगा। समझ गई, गुड बाय। क्या हो गया, ऑमलेट बनाना है क्या? किचन उस साइड पर है, कहो तो रास्ता दिखा दूं। नहीं मेरी जान, इनसे तो हमारे सर तोड़े जाएंगे। ले लो हयात, और जो चाहो सुलूक करो हमारे साथ, ले लो। यानी 2 मिनट को मैं इधर उधर हूँ और फिर एक नया शोशा छोड़ दोगी। अब क्या कर दिया है तुम दोनों ने? कुछ नहीं। डार्लिंग, हमारे और तुम्हारे बीच में कितना प्यार है ना, इस वजह से हम ना तुमसे कुछ छुपा नहीं सकते कभी। टूवल की कॉल आई थी,
टुअल मैम इतनी रात को। बिल्कुल सचमुच वो कहने लगी कि वो ना हयात को क्या मुराद के बारे में पता है कि उसे मालूम हो गया कि हयात ड्रामा कर रही थी इतनी रात को। मुराद हो सकता है जानना चाहता हो कि क्या मुझे पता है उसे मालूम हो गया है वो सब मेरा ड्रामा था। हाँ हो सकता है मुमकिन है ये। अरे मेरी बहन सोचो जो बात अल्लाह से छुपी हुई नहीं है वो बंदों से छुपाने का क्या फायदा भला। हाँ बताओ। अच्छा ये तो ले लो अब तो जरूरी हो गया है ले लो एक बार तो हो जाए शाबाश। नहीं असली इसके सर पे बजाएंगे टन टन दोनों मिलकर। ऑफ कोर्स बजा ही दो मुझे ताकि मेरा दिमाग सेट हो जाए कुछ भी याद ना रहे प्यार और यार का चक्कर ही खत्म हो खुशी गम उम्मीद मायूसी जज्बे सब कुछ खत्म कर दो आज बस। Have a good day, Murad sahab. Same to you, Kareem. शाम में मिलते हैं। Good morning. Good morning, Murad sir. Ladies first. Thank you so much. गुजारिश है आप इस तरह देखना बंद करेंगे प्लीज। तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल है प्रॉब्लम वो असल में लाइट सेंसिटिविटी हो गई है ना इसलिए लगाए हैं। लाइट सेंसिटिविटी कुछ ऐसा ही है सर। मैं समझा कोई और प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग इतनी सुबह क्यों बुलाया सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत तो है ना करीम खैरियत ही तो नहीं कि तुमने मेरा दिल दोबारा से तोड़ दिया है। ये हादसा मुझसे कब पेश आया? वो बात जो मैंने और असली ने तुम्हें बताई थी हयात के बारे में। आखिर मुराद को तुमने ये बात क्यों बताई कि हयात इब्राहिम के घर पर रह रही है? मैं इस बात की तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। अब तुम कंप्लीट तवज्जो से मेरे होठों को देखो। मेरी पूरी तवज्जो पूरी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे होठों की तरफ ही है। अब गौर से सुनो असल में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हयात जहाँ पर रह रही थी वो इब्राहिम का घर नहीं टूअल मैम का घर था। चलो अब रिपीट करो। लेकिन यार ये मामला क्या है एपिक? यार मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ समझ गया हूँ हयात एक महीने से टूअल के घर में थी। बहुत आला तुमने गड़बड़ की तो तुम ही संभालोगे ओके। हयात टूअल के घर पर रहती थी हर किसी को बताना है हर किसी को। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ ठीक है अब खुदा हाफिज। मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी ठीक है करीम समझ गए ना सब कुछ संभाल लेना करीम। आइए कॉफी। ठीक हो गई क्या? लाइट सेंसिटिविटी। हाँ बस वो कुछ थोड़ी बेहतर तो हूं अब।
अभी थोड़ी और एहतियात करनी चाहिए आपको। जी शायद। कुछ और भी कहना चाहती हैं क्या? हाँ बिल्कुल। दुरुक सर और इब्राहिम सर आपसे मीटिंग के लिए नीचे वेट कर रहे हैं आपका। दुरुक सर और इब्राहिम सर। ऑफ कोर्स, उन दोनों के साथ खूब जमेगी आपकी। क्या मतलब सर? दुरुक को अपने नए नए गेम्स के लिए एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा और इब्राहिम साहब तो गेम्स के खासे शौकीन लगते हैं। किया है टूल मैडम? आसी, वेयर इज माय चॉकलेट? वेयर? चंदा जान, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ये सब तो तुम्हारा हक था हयात। मगर मगर वगर क्या डार्लिंग, मगर मैंने सब कुछ सेट कर दिया। मैं गई और मुराद को ठग करके बता दिया कि वो सब ड्रामा था। और आपके ख्याल में मुराद अब कैसे बिहेव करेगा मेरे साथ? मर गई मैं, खत्म हो गई। पागल मत बनो। अच्छा हो गया मैंने बताया, किसी और को पता भी नहीं चलता कि मुराद क्या करने वाला। क्या मुराद क्या करने वाला है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। क्या क्या करेगा वो? नहीं वो बस मुराद मुराद सर क्या करने वाले हैं टूअल मैडम? या अल्लाह क्या करूं? मसला ये है हयात कि क्या करूंगी मैं अब? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी, कोई हैंडसम बंदा मुझे नहीं देखेगा। हाँ हाँ, सच्चा प्यार कैसे मिलेगा मुझे? कसम तोड़ना तो भुगतना ही पड़ता है, बस अब मैं तो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। शायद कोई जहनी टेंशन तंग कर रही है आपको। खैरियत तो है, हुआ क्या है बताइए। ठीक है मैं जा रही हूँ। हर किसी ने होंठ सी लिए हैं। कोई मुझे ये बताए ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। शुक्र खुदा का, बाल बाल बच गई मैं। रुक जाओ। क्या हुआ? आपको एक बात बतानी थी। क्या कोई जरूरी बात बतानी है? बताओ मुझे। हयात मैडम है, हयात मैम। वो हयात मैडम है ना, हयात मैडम। हाँ तो? मैं हयात मैडम की बात कर रहा हूँ। हाँ ना करीम, जल्दी बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? उनकी एक बहुत अहम खबर पता चली कि वो किस जगह रह रही है। हाँ? अगर मैं आपको बता दूँ तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी खबर है जो सुन के मेरे होश उड़ जाएंगे? करीब आइए, आपकी बेस्ट फ्रेंड के घर रह रही है, आपकी दोस्त टुवल के घर। अच्छा, हयात टुवल के घर में है, मुझे मालूम क्यों नहीं चला? नहीं मालूम? इतनी अहम खबर आपको नहीं मालूम, ये कैसे मुमकिन है? तो रह रही होगी। हाँ, उसकी अपनी मर्जी, वो कहीं पर भी जाकर रहे। बताने का बहुत बहुत शुक्रिया करीम। ओके बाय। आइए भाई आइए, हम चूज नहीं कर पा रहे इनमें से। क्या है ये? कुछ नए आइडियाज क्रिएट किए हैं लेकिन कोई एक शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा, काफी देर से अटके हुए हैं हम दोनों। तो मैं कर देता हूँ, कौन सा बड़ा मसला है? मगर ये भी है कि लास्ट प्रोजेक्ट काफी अच्छा गया है हमारा।
बिल्कुल गया तो था, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसका फर्स्ट ड्राफ्ट चोरी करवा लिया था हमारे कॉम्पिटिटर ने। मतलब कंपनी में उनका एक जासूस अभी भी मौजूद है, उसे पकड़ना जरूरी है पहले। द्रुक सर आपसे काम था, क्या आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? आ रहा हूं मैं। आप दोनों कंटिन्यू करें, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो कौन सा आइडिया शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं हम फिर? मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मजीद अपना खेल जारी रखने की जरूरत है, और कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र तुम मत करो। मैं गेम नहीं खेल रहा था, हेल्प कर रहा था, और मैं कभी कोई काम बीच में नहीं छोड़ा करता कभी। मेरा नहीं ख्याल कि यहां किसी को भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये तो वक्त बताएगा डियर। चलो बस बहुत काम कर लिया, इधर आओ। क्या हुआ, खैरियत तो है? सुनो ज्यादा मासूम मत बनो, यहाँ हर किसी को मालूम हो चुका है, बस करो। क्या मालूम हो गया हर किसी को, बताना तो जरा। देखो तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है, तुम ट्वेल के घर रहने की खबरें फैला रही हो। हाँ मुराद इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, लेकिन कुछ नहीं, तुम ट्वेल के घर हरगिज नहीं रह रही। अब ये बात कहना भी मत किसी से, क्योंकि मैं ट्वेल को अच्छी तरह जानती हूँ। मगर ब्रावो ट्वेल का नाम यूज करके तुमने चाल बड़ी जबरदस्त चली थी, क्योंकि मुझे भी मुराद को तपाना होता तो मैं भी शायद ट्वेल ही का नाम यूज करती। जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है मुराद को तपाने की, बच्ची नहीं हूँ मैं। सुनो हयात, मेरे और मुराद के दरमियान तुम आने का सोचना भी मत। दीदा पता भी है क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है, याद रखना दोबारा वार्निंग नहीं दिया करती मैं, एक दफा में बात समझ लोगी तो बेहतर होगा। यार कुछ कहने से पहले मुझे बता तो देती, तुम्हें क्या पता कितनी बातें सुना कर गई है वो भंगन अभी मुझे। अरे लानत भेजो उस पर, आगे बताओ। क्या बताऊँ कितनी इंसल्ट फील हो रही है यार, उसके सामने कैसे झूठी बन गई हूँ। यार बहुत ही चालाक औरत है दीदम, तुम्हें ट्यूवल की नजरों में देखना जरूर झूठा बना देगी ये। मुझे अंदाजा नहीं है क्या ये झूठ देखना अभी कितने गले पड़ने वाला है मेरे, और तुम लोग तो शोशा छोड़कर अलग हो जाओगी। हाँ मुझे बस जल्दी में कुछ सूझा नहीं, वरना मैं कोई और बात बना देती। ये मसला ही नहीं होता। ठीक है मुझे चाला बुला रही है, शायद कोई काम है। ओके खुदा हाफिज। मजे आ रहे हैं क्या? प्रोफेशनल सवाल है भाई, मजे आ रहे हैं? नहीं मोहतरमा ये मुनासिब नहीं है, तो मैं यही बात दूसरी तरह समझाता हूँ। ऐसा है ये रोलर्स उस वक्त परफेक्ट काम करते हैं जब आपका मूड नॉर्मल ना हो, एक्साइटमेंट हो और गुस्सा हो। गुस्सा चाहिए, बस थोड़ा गुस्सा। असली मेरी जान मुझे एक बात तो बता, ये इब्राहिम और हयात सही से तो रहते हैं ना दफ्तर में एक दूसरे के साथ? बिल्कुल सही से रहते हैं, मगर दोनों घर में बहुत कम बोलते हैं एक दूसरे से, चुप चुप रहते हैं, ये क्यों? कोई तो टेंशन होगी, कोई तो मसला होगा। सच सच बता क्या चक्कर है? हाँ फटाफट शुरू हो जाओ फटाफट। क्या हो गया है भाई, एक इस तरफ बैठ गया और एक इस तरफ, उठ के चली जाऊंगी मैं अभी। असली देख सुन ले, ये तो पता है मुझे कि कोई ना कोई बात जरूर है। हाँ बात सुनो, क्यों नहीं बता रही तुम मुझे ये मामला क्या है? हाँ हमने भी दुनिया देखी है, बिल्कुल कोई चक्कर चल रहा है, तुम्हारे माथे पे साफ साफ लिखा है यहाँ। चल अब बता दे, बस शुरू हो जा, चल शुरू हो जा। अरे पीछे ही पड़ गई है आप लोग तो मेरे, बख्श दे मुझे। खामखा आप दोनों अपनी तरफ से कहे जा रही है कि कोई ना कोई चक्कर है, कोई ना कोई चक्कर है। भाई मुझे कुछ नहीं पता, जान छोड़ दे मेरी, मैं बता रही हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। असली चल चंदा अब तू बता देना, चल बस कर दे, पागल कर दिया है मुझे। बाय गॉड अगर आप कुछ कहा तो क्रीम खा लूंगी मैं। हे रखो ये, इजी इजी, ये बहुत महंगी क्रीम है, तुम्हारा बिल बढ़ जाएगा। चलो रख दो उसे, रखो इजी, यू नो रखो। ओके रखो, अब मुझे जरा सुकून से और कस्टमर भी अटेंड करने दो। इजी, दुकान में शोर शराबा बर्दाश्त नहीं करता बिल्कुल मैं, यू नो। या
पागल हो गई हो क्या? क्रीम कोई खाने की चीज होती है? अच्छा बस चुप करे, क्या है भाई? क्या कर रहे हो? मुख्तलिफ मैगजीन्स में जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ। खैरियत, कोई प्रॉब्लम? वो ही प्रॉब्लम है ना इब्राहिम, मुराद को फेस नहीं कर पा रही, और भी कुछ मसले हैं, छोड़ो बस। गुड आफ्टरनून। दादी जान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। मुराद बेटा, ये बच्चा कौन है? पहले कभी नहीं देखा इसे। ये इब्राहिम है, हमारे नए एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट। अच्छा, खैर से रहो बेटा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब इतने अच्छे इंसान हैं कि बहुत जल्द हर किसी में घुल मिल गए हैं, खासकर हयात से तो बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी। काम करें आप लोग। सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है, मैं क्या समझती नहीं? जेलिस है वो, यही बात है। अच्छा चलो, अब तो दादी पोते अकेले हैं ना यहाँ। सच सच बता, कोई बहुत प्यारी शख्सियत तेरी जिंदगी में आ गई है ना? दादी जान, लगता तो है। हाय मेरी जान, मेरा शहजादा, कितने अरसे बाद तेरे चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट देखी है। पता नहीं वो भी मुझे चाहती है या नहीं, अभी बात नहीं की मैंने उससे। तू सोच क्या रहा है बेटा? अगर वो लड़की तुझे दिल से पसंद है तो हिम्मत करो, बात कर ले, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दे मेरे बच्चे। अल्लाह ने चाहा तो देखना चट मंगनी होगी और पट तेरी दुल्हन ब्याह कर लाएंगे हम लोग। हाँ, अरे अभी तो बात ही नहीं हुई कोई, कैसी मंगनी कैसी शादी। चंदा, वो सब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तूने तो बताया नहीं लड़की कौन है, मगर मैं पहचान लूंगी, देख लेना बेटा। अच्छा सुने, हफ्ते को उसकी सालगिरह है, उस वक्त उससे बात करूंगा। जवाब अगर हाँ में मिला तो सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। कॉफी लाई हूँ। जीती रहो बेटी। जल्दी तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं इंशाल्लाह। आमीन। यानी इंशाल्लाह। अच्छा तो हफ्ते को तुम्हारी सालगिरह है, पहले से पता होता तो अच्छा सा तोहफा ले आती। अरे अरे क्या हुआ? पानी दूं? नो थैंक्स, ठीक हूं मैं, ठीक हूं। आपको कैसे पता चला मेरी सालगिरह का? यही कंपनी में सुना था, कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। अगली सालगिरह पर बहुत प्यारा सा गिफ्ट दूंगी देखना बेटा। अभी तो कुछ पता नहीं था ना कि तेरी पसंद ना पसंद क्या है बेटा। हयात मैडम, मेरे लिए है ये? जी हाँ। सो नाइस ऑफ यू। सालगिरह का तोहफा प्यार के साथ। आपका नया टॉय है गालिबन, आपकी ज़हनी उम्र के मुताबिक है। ओके मुराद सर, हमने गेम खेला था, शर्मिंदगी है मुझे। मैं बच्ची हूँ, पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, यही है ना? हमने एक गेम खेला था जिसकी वजह आप जानते हैं। लेकिन ये क्या बिहेवियर है आपका? इब्राहिम का क्या कसूर है? वो तो बेचारा मेरी हेल्प कर रहा था। आप में जरा से भी हिम्मत है तो डायरेक्ट बात करें मुझसे, ये क्या तरीका है दूसरों को अज़ियत देने का? हो गया? जी हाँ।
क्या कर रहे हैं ये? इस तरह से क्यों धकेल रहे हैं मुझे? क्या करना चाह रहे हैं आप मुराद सर? मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या मतलब है ऐसा करने का। प्लीज आप कुछ तो बोले मुराद। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, बात करेंगे हर मामले पर मगर हफ्ते की शाम। अपनी सालगिरह के दिन किसी और से प्रॉमिस ना करना। क्योंकि वो मेरा दिन होगा। सर आपने कैमरे की सीडी मंगाई थी, ये लीजिए। थैंक यू। ठीक है। भाई क्या देखने की तैयारी है? सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। जो कुछ भी हुआ उसी दिन हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसी दिन की रिकॉर्डिंग मंगवा ली जाए। ओहो, भूसे के ढेर में सुई ढूंढेंगे यानी आप? कितने शॉट्स होंगे, किस किस एंगल से होंगे, क्या क्या देखेंगे आखिर? यार मेरा ख्याल है कि इब्राहिम वाला कैमरा देखना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उसी के लैपटॉप पर था। आपके 5 मिनट चाहिए मुराद सर मुझे। ओके, तुम देखते रहो गौर से। इनवाइट किया ओपनिंग पर टूअल यार? कौन सी ओपनिंग दीदम? अब पहले कब इनवाइट करती थी मैं तुम्हें? फजूल बातें मत करो। टूअल तुम्हारी मददगार सर्विस के काफी चर्चे हो रहे हैं आजकल। उल्टे कामों में काफी हेल्प कर रही हो लोगों की। हाँ मैं तो वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक फ्रॉडी लड़की के लिए जो तुमने झूठ बोला है वो जेब नहीं देता तुम्हें। ये सही नहीं है टूअल डियर। सुना है हयात तुम्हारे साथ रह रही है? हाँ, अच्छा वो बिल्कुल। हाँ, एक बात समझ नहीं आई। मैं तो कितनी बार तुम्हारे घर आई इस महीने पर हयात वहाँ नजर नहीं आई। चूंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी नेगेटिविटी उसे खराब करे, इसलिए जब तुम आती थी तो मैं उसे दूसरे कमरे में छुपा देती थी। हाय गर्ल्स, दीदम तुम मेरे साथ चलोगी? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। इस वक्त मैं टूअल से बात कर रही हूँ, पहले इससे परमिशन ले लो। टूअल डियर थोड़ी देर के लिए ले जाऊं, बाद में कंटिन्यू कर लेना, हमारा मामला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आ जाओ। चाहो तो मुस्तकिल ले जा सकते हो दुरुग डे। क्या हो गया तुम्हें टूअल? वैसे जब तुम फंसते हो मेरे पास ही आते हो भाग के। बातों का टाइम नहीं है। अरे व्हाट्स गोइंग ऑन? काम करो दुरुग। बताओ तो हुआ क्या है, कोई प्रॉब्लम हो गई है? एक चीज पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हारी अभी के अभी। हाँ छोड़ो, पहले अपने इस रवैये का जवाब दो। जवाब मिलेगा, हम वहाँ पहुँचेंगे तो हर चीज का जवाब मिल जाएगा। चलो। अरे अल्लाह अल्लाह, सॉरी यार मुझे जरा मीटिंग में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया मुझे। खैर
ये दुरोग सीडी निकाल के क्यों ले गया अपने साथ? आहा, ऐसा क्यों हो गया? दुरोग क्यों खींच रहे हैं मुझे? अच्छा एक मिनट बिल्कुल खामोश रहना। जी बोले भाई। कहाँ हो दुरोग? मैं तो आ गया अपने रूम में, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग ही मौजूद नहीं है। हाँ वो मेरे पास है, परेशान ना हो। आप थे नहीं तो बोर हो रहा था खामखा, सोचा कि घर ले जाकर वीडियो देख लूं। अच्छा चलो ठीक है, सी यू, बाय। मुझे बताओ कि ये क्या है? हाँ, मुझे क्या पता, एल्बम है या कुछ और होगा। जाहिल औरत, इस सीडी में तुम हो, तुम्हारी फुटेज है चोरी करते हुए। कॉन्सेप्ट कॉपी कर रही है मोहतरमा, जो कॉम्पिटिटर तक पहुंचा दिया गया फौरन। बताओ दीदम, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता दुरू, तुम जाके खुद चेक कर लो, हो सकता है कैमरे खराब हो या कोई और मसला हो, मुझे क्या पता। चुप करो, मेरे मुंह पर झूठ बोल रही हो तुम। तुम जानती हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। कितने भी एक्सक्यूजेस बना लो, तुम बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हो दीदम। ये भी तो हो सकता है प्रॉब्लम में मैं नहीं कोई और हो। वैसे ये इल्जाम किसी और औरत पे लगाना चाहिए तुम्हें। क्या मतलब है इस बात का? जाके अपनी प्यारी माँ से पूछो। मतलब मेरी अम्मी? दीदम तुम मुझे पागल समझती हो क्या? इससे ज्यादा घटिया इल्जाम आज तक नहीं सुना मैंने। अम्मी मुझे या सार्टे को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं, इसका नुकसान मुराद को होगा। सिर्फ मुराद ने कॉन्सेप्ट के लिए डील साइन की थी ताकि फायदा कंपनी का और नुकसान सिर्फ उसका होगा। अब अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना, इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने। नहीं ये कभी हो ही नहीं सकता। हुआ है बिल्कुल, और ये बात अगर किसी को मालूम थी तो सिर्फ दारिया आंटी को। बाय गॉड बहुत अच्छी फैमिली है तुम्हारी। ख्वाबों से बाहर हकीकत की दुनिया में खुश आमदीद ध्रुव। मैडम कहाँ छुप गई हैं आप? आइए। क्या हुआ गुड़िया? चलो। टूल मैम क्या बताऊं? एक्साइटमेंट से मेरा बुरा हाल है, मेरा दिल है ना घबराहट से धक 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 कर रहा है। सच सच बताओ कुछ हुआ है क्या? यानी क्या कहा उसने? कोई धमकी, बदतमीजी या खुदा ना खास्ता बैड लैंग्वेज कोई? नहीं नहीं प्यार से बात की है। फिर तो वो इश्क में है तुम्हारी यकीनन। कुछ और भी कहा उसने? कोई और इम्पोर्टेंट बात की? यानी नहीं मतलब आई डोंट नो, यानी कैसे समझाऊं? जैसे और कुछ व्हाटएवर छोड़ो। पहले तो मैंने जाकर एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने तुम्हें तपाने के लिए झूठ बोला, मगर वो नाराज नहीं हुआ बल्कि बोला कोई बात नहीं, उसने झूठ पर भी गुस्सा नहीं किया टू मैम। Wow. अब तुम आगे देखना होता क्या है। आगे भी एक बात की उसने मुझसे, कहीं तो वो भी बता देती हूँ। कहने लगा बर्थडे की शाम किसी और से कमिट ना करना। तो मतलब बात हो गई यानी, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ होगा देखना, बर्थडे पर जरूर कोई सरप्राइज देगा तुम्हें। छोड़े मुझे कोई उम्मीद नहीं। Yay! यानी देखो यकीन है मुझे कि ये यकीन भी क्या चीज है, देखना वो तुम्हें बहुत शानदार सरप्राइज देने वाला है इंशाल्लाह। यानी मुझे लगता है ऐसा ही होगा, यकीन है मुझे। दिल तो मेरा भी कहता है कुछ होने वाला है जैसे। बिल्कुल वो तो देखो चंदा गुड़िया, उस शाम शानदार लगना है तुम्हें कि आज तक इतनी अच्छी ड्रेसिंग ना की हो कभी, ऐसी ड्रेसिंग और मेकअप करना है। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बात नहीं सुननी, ओनली यस, ऐसी लड़की देखना चाहती हूँ तुम्हें। ओके, कोशिश करूंगी आपकी उम्मीद पर पूरी उतरूं। यस। प्यार लफ्जों में कहा,
पीछे तो चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। किसी डॉक्टर को फोन करूं, एम्बुलेंस मंगवाऊं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुराद को क्या पता यार, मगर आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। दीदा मुस्तकिल मेरे पीछे लगी हुई है, बस उसे इतनी सी बात का इंतजार है। कौन हूँ मैं? मुराद के होने वाली बीवी और साटे के मुस्तकबिल की मालिका हूँ, अंडरस्टैंड मोहतरमा? आई समझ? कॉन्सेप्ट से अगर फायदा हुआ तो पूरी कंपनी का, और अगर नुकसान उठाना पड़ा तो सिर्फ भाई को बर्दाश्त करना होगा ये कॉन्ट्रैक्ट।